सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल आपको HD स्टेटस HD इमेज आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी मटेरियल का लिंक इजीली मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप सभी मटेरियल इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको दोनों XML को एलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। और अगर XML एलाइट मशीन में इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वाला एलाइट मशीन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे आपको पिन क्या हुआ ये वाला एलाइट मशीन ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और दोनों XML को इसमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो एलाइट मशीन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे जो टेक्स्ट है ऑलरेडी इस तरीके से मैंने इफेक्ट के साथ ऐड करके रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, और इस डबल बिटमार्क है, डबल बिटमार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट, और ये जो सिंगल बिटमार्क है सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, डबल बिटमार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट, सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे इमेज स्टार्ट होगा उस पॉइंट से आपको ये बात समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉन्ग है वो म्यूट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सॉन्ग को कैसे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये वाला स्टेटस वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट वीडियो कर देना है। उसके बाद जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाने के बाद आपको जो वीडियो है इसको डिलीट कर देना है। जो साउंड है इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का इफेक्ट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और जो फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम है लेमन मिल्क बोल्ड। ठीक है, आप इजिली डाफ फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डबल बिटमार्क है इस पॉइंट पे आ जाना है, 8.28 सेकंड पे आ जाना है। आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेजेस को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से इमेज ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेज को ऐड कर लेना है। और अगर आपको नहीं पता कि ये सब इमेज कहाँ मिलेगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको ये सभी इमेज इजीली मिल जाएगा। और HD स्टेटस वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। और ये स्टेटस आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इस तरह आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से चेक करके इजीली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सभी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको भी सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने किया आपको भी सेम इस तरीके से कर लेना है। कर लेने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट और इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इफेक्ट टू पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पर जाना है। ठीक है, उस पर आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल बिटमार्क पे चले जाना है। ठीक है, जिस पॉइंट से इमेज स्टार्ट हो रहा है तो डबल बिटमार्क का जितना भी इमेज है सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये सिंगल बिटमार्क के छोड़ देना है, डबल बिटमार्क पे आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है जो सेकंड इफेक्ट आपने कॉपी किया था। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो जितना भी डबल बिटमार्क का इमेज है सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है।
उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको इफेक्ट वन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। साथ में दोनों सीसी को इस तरीके से लेफ्ट पे सिलेक्ट कर लेना है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। यहाँ से बैक आ जाना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऊपर जो प्लस है प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी सिंगल बिट मार्क है, सिंगल बिट मार्क पे इमेजेस है, सभी सिंगल बिट मार्क वाले इमेजेस पे आपको जो फर्स्ट इफेक्ट है इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है सिंगल बिट मार्क वाले जितना भी इमेजेस है, ठीक है। जितना भी सिंगल बिट मार्क का इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको जो फर्स्ट इफेक्ट है उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको पूरा एंडिंग पॉइंट पे आना है। एंडिंग पॉइंट पे आने के बाद जो सीसी आपने कॉपी किया था पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। कुछ इस तरीके से आपको सीसी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हमारा जो स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।